बढ़िया गया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 80 अटेम्प्ट किए। एग्जाम का लेवल क्या लग रहा है? लेवल ठीक था, ठीक लेवल। जीके के बारे में कुछ बताइए। जीके सब जगह से आई थी, सारी आई थी जीके वगैरह। हाँ ऑल है। जीके के बारे में आपने बताया सारे आए, जैसे किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया? जैसे हिस्ट्री से ज़्यादा पूछा है, पॉलिटी से पूछा, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? 5-7 क्वेश्चन थे करंट अफेयर। क्या क्वेश्चन थे वो याद है? ऐसे याद नहीं। जैसे मतलब ओलंपिक्स से पूछा गया या फिर नृत्य से या फिर किससे पूछा गया? वैसे तो करंट के ऐसे पूछे है कि पहला जो पेपर लेस वो कहाँ पे किया गया था, करंट का ऐसा क्वेश्चन था। रिलेटेड कुछ पूछा गया था? नहीं नहीं, गांधी से। और कुछ भी ऐसे याद हो, साइंस भी क्या पूछा गया, कुछ क्वेश्चन से याद हो, किस तरीके से पूछा? साइंस में न्यूलैंड का अष्टम नियम के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन, और आवर्त सारणी से था एक क्वेश्चन। मैथ के बारे में बताइए। मैथ का लेवल ठीक था, ज़्यादा लेवल नहीं। टॉपिक वाइज बताइए कि हाँ ये टॉपिक्स मुझे ठीक लगा, इस टॉपिक पे इस तरीके का फोकस करना चाहिए, उस स्टूडेंट जो आएंगे उनको क्या हेल्प मिलेगी? क्षेत्रमिति से आया था क्वेश्चन, और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे, और पाइप एंड टंकी से क्वेश्चन आए हुए थे। चलिए धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। सर आप एग्ज़ाम दे के आए अभी? अच्छा हुआ नहीं। सर आपका एग्ज़ाम हो गया? सर आप एग्ज़ाम दे के आए? जैसा कि एग्ज़ाम आपका ठीक है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए? पेपर तो थोड़ा टफ ही था। अच्छा टफ लगा आपको, कहाँ पर दिक्कत आई आपको एग्ज़ाम में? रीजनिंग और टाइम खींच रही है। रीजनिंग ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रही है आपको? बढ़ा के दे रहे हैं साइंस को, रीजनिंग टाइम में बना के दे रहे हैं थोड़ा। साइंस को रीजनिंग तरीके से बता रहे हैं? हाँ। अच्छा आपको साइंस में किस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम लगी है? बॉटनोलॉजी। अच्छा और बताइए, और सबसे इजी क्या लगा आपको? भाग तो बता दिया आपने। जीके। जीके इजी लगा। हाँ। जीके के बारे में बताइए कुछ। क्या सर, इसलिए जीके के बारे में बताइए, क्या था क्वेश्चंस, क्या करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? जो अभी एक तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के बारे में पूछा, जिस कितने वर्ष हुए, 1.5 साल पूरे हुए, वो क्वेश्चन पूछे गए, और एक तो करंट के क्वेश्चन होते हैं। ओवरऑल एग्जाम का लेवल आपको थोड़ा मतलब हार्ड बोल सकते हैं आप, आपके अकॉर्डिंग? हाँ हाँ। अच्छा तो आने वाले स्टूडेंट उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो उनको काफ़ी हेल्प मिले, कि वो किन बातों का ध्यान रखे एग्जाम देते समय? थोड़ा रीजनिंग का थोड़ा टाइट ध्यान रखे, मैथ वगैरह टफ है थोड़ी, टाइम खींच रही है। अच्छा रीजनिंग और मैथ के लिए आप लोग जरूर प्रैक्टिस करके आए, सर के अकॉर्डिंग बता रहे कि थोड़ा हार्ड लगे सर को, ठीक है तो प्लीज़ प्रैक्टिस करके आए। चलिए और बात करते, सर आपका एग्ज़ाम कैसा? चलिए कोई नहीं, सर को लग रहा है डर लग रहा है थोड़ा।